हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में एक पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, एक नहीं दो से रिलेटेड। और बात की जाए तो एक उसके अलावा एक शेयर और था, एक महीने पहले वीडियो बनाया था और आपको बताया था इस शेयर को खरीदिए, ये शेयर आपको बेहतरीन रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा। और काफ़ी टाइम से वो कंसोलिडेट भी कर रहा था और उसने आज के दिन में अगर बात करें तो 10% तक ऊपर गया था। उसके बाद थोड़ा मार्केट गिरी थी तो वो भी गिरता हुआ नज़र आया, बट उसके रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आए और 10% का उसने अच्छा खासा गेन देता हुआ नज़र आया। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए तो मुझे लगता है ये दो पर्टिकुलर शेयर आपको अच्छे खासे रिटर्न देते हुए नज़र आएंगे 10-15% आने वाले एक महीने में, तो आप इस स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एज वेल एज अगर बात की जाए अपन आज की डेट में ही मैंने यहाँ पर कल की डेट में वीडियो बनाई थी बजाज कंज्यूमर से रिलेटेड, एज वेल एज बात करें यहाँ पर काफ़ी टाइम से एक सोया हुआ शेयर था, एक पर्टिकुलर शेयर था जो कि आपको अच्छे खासे 60% के रिटर्न दे सकता है, तो उससे रिलेटेड वीडियो थी और भी आप वो वीडियो डाल रखी है तो आप जाके जरूर देखिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक मिलेंगे, अगर आपका डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है यहाँ क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन कराएं, और श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है यहाँ पर क्लिक करें, इनकी वेबसाइट पर ले जाएगा और आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी दान देना चाहे दान दीजिए, दान देना एक पुण्य का काम होता है। इस आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले, तो जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने लिखा था बिग अपॉर्चुनिटी टू डबल योर मनी, यहाँ पर डबल करने का मौका था और रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी फेवरेबल था। तो कौन सी कंपनी थी? ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की ये कंपनी थी, यहाँ देख सकते हैं आप। तो 449 पे ये शेयर चल रहा था और आज की डेट में अगर देखते हैं तो लगभग 503 और 504 पर ये शेयर जाते हुए नजर आया, और इसके कल की डेट में रिजल्ट आए थे जो कि काफ़ी बेहतरीन थे और कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पर आपको रिजल्ट पेश करता हुआ दिखाया था। इसका लिंक ऊपर दे दूंगा, इस कंपनी के बारे में जान लीजिएगा, काफ़ी अच्छी कंपनी और अच्छा खासा पैसा आप अभी भी इसमें बना सकते हैं। आइए दूसरे शेयर से रिलेटेड, तो इस शेयर में देखिए ये लाइफ इंश्योरेंस ने अच्छा खासा रिजल्ट पेश किया है, तो जहाँ पर इसने अच्छा खासा पेश किया है रिजल्ट, तो इंडिया की और भी दो अच्छी बेहतरीन कंपनी है जो कि डेट फ्री है उससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। सबसे पहले हम HDFC लाइफ कंपनी की बात करेंगे, तो HDFC लाइफ कंपनी देखिए इसी चीज़ को देखते हुए आज अच्छी खासी भागती हुई हमें नज़र आई, और बात करें तो 665 पे इसने क्लोज किया था और उसके बाद यहाँ पर 686 पे, और अगर बात करें तो और भी ज़्यादा 688 तक यहाँ पर भागती हुई नज़र आई थी। उसके बाद गिरावट भी हुई थी, जब मार्केट में यहाँ पर गिरावट हुई थी आज के दिन देख सकते हैं, और यहाँ पर अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर नज़र आती है कंपनी। 344 का शेयर यहाँ पर आपको मतलब 3 साल में आपके पैसे डबल कर दिए, और क्या चाहेंगे आप ऐसी कंपनी से। और बात करें कंपनी को आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, और लाइफ इंश्योरेंस कोविड जिस तरीके से बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है लाइफ इंश्योरेंस कंपनियाँ अच्छी खासी आपको काम करती हुई नजर आएंगी, लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हुए नजर आएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हुए नजर आएंगे, और लोग अपने हेल्थ के बारे में कॉन्शियस नजर आएंगे। तो इसी से रिलेटेड अगर हम बात करें आज के दिन में, तो आज के दिन की परफॉर्मेंस आपके सामने है, लगभग 46% लगभग 20,25,000 शेयर यहाँ पर उठाए गए हैं। अगर बात करें 52 वीक लो की, तो 452 वीक लो था इसका 24 अप्रैल को, और 52 वीक हाई की बात करें तो लगभग 746 पे 10 मार्च को यहाँ शेयर आया था। और अगर हम बात करें यहाँ पर ये शेयर कितना टूटा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लगभग इतने अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 8-10% तक का यहाँ पर ये अपसाइड, और प्लस में एक बार कंपनी रिजल्ट पेश करेगी तो और भागती हुई नजर आएगी। इसके अलावा दूसरी कंपनी की बात करें तो दूसरी कंपनी SBI लाइफ इंश्योरेंस, दोनों कंपनी डेट फ्री है, दोनों कंपनी लगभग एक जैसा ही बिहेवियर करती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा इसने भी इसको भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3 साल ही हुए हैं, और अच्छा खासा यहाँ पर ये भी गेन देता हुआ नज़र आता है। SBI भी अपने अगर SBI शेयर की बात करूँ तो SBI कार और SBI लाइफ इंश्योरेंस दो ही कंपनी को मैं प्रेफर करूँगा, बैंक को हम छोड़ देते हैं क्योंकि बैंकिंग इतना अच्छा उसका चल नहीं रहा है। अगर बात करें 52 वीक लो की 21 अप्रैल को आया था, फिर 52 वीक हाई की बात करें तो 9 मार्च को यहाँ पर 983 रुपीज़ तक ये शेयर भागता हुआ नज़र आया था, 43% की लगभग 13 लाख शेयर यहाँ पर भी उठाते हुए हमें नज़र आए हैं। और अगर हम इसका यहाँ पर देख ले, यहाँ पर कुछ और फाइनेंशियल्स इसका देख ले HDFC लाइफ इंश्योरेंस, तो आप देख सकते हैं इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, रेंज ऑफ मल्टीपल एंड ग्रुप इंश्योरेंस सॉल्यूशंस, तो इंश्योरेंस से
ट्रेडेड कंपनी है और इसका मार्केट कैपिटल की बात करें तो 1,34,585 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। 21% के ROCE से कंपनी भाग रही है और डेट की बात करें तो ना के बराबर, लगभग 8% का डेट है और कंपनी का प्लेजिंग 0% का प्लेजिंग है। ओके, तो यहाँ पर और भी फाइनेंशियल्स यहाँ कर ईयरली बात कर लेते हैं तो देख सकते हैं मार्च में जो इसकी सेल्स थी 2011 में तो 11,068 करोड़ की सेल्स आज की डेट में 52,613 की सेल्स में कन्वर्ट होती हुई नजर आई है। और जहाँ पर 10 साल पहले माइनस में इसका प्रॉफिट था, आज की डेट में 1,354 करोड़ का प्रॉफिट। तो कंसिस्टेंसी दिखा रहा है और इस तरीके की कंसिस्टेंसी जब कोई कंपनी दिखाती है तो ऑलवेज मैं आपको कहता हूँ इस तरीके की कंपनी में पैसा लगाओ, अच्छा खासा पैसा आपको बनता हुआ नजर आएगा। रिजर्व्स काफ़ी बेहतरीन है। अभी तक कंपनी डेट फ्री थी, इसने सितंबर में कुछ शायद लोन लेते हुए बोरिंग करते हुए नजर आई है। ओके, बट कोई इशू नहीं है, कंपनी के पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, 1,50,000 करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ओके, कंपनी की बात करें रिजर्व्स अच्छे खासे हैं और कैश इक्विवेलेंट भी अगर हम देखें तो कंपनी के पास कैश भी अच्छा खासा है 322 करोड़ का। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं प्रोमोटर की होल्डिंग तो लगभग 58.86% की होल्डिंग है इस डेट के हिसाब से मार्च में ही। और FIIs की बात करें तो FIIs ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है, DIIs ने थोड़ी कम कर दी है, पब्लिक ने भी यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी हिस्सेदारी। और बता सकता हूँ कि FIIs लगभग 75% तक यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में खरीद सकते हैं। इसके अलावा SBI लाइफ तो ये देख सकते हैं, ये भी लार्ज कैप कंपनी है, 90,000 करोड़ की कंपनी है। सेम इसमें तो डेट है ही नहीं, इसमें डेट बिल्कुल फ्री, डेट फ्री कंपनी है, प्लेजिंग कुछ नहीं है, 21% के लगभग यहाँ पर ROCE से कंपनी रन करती हुई नजर आती है। और अगर बात करें इंट्रेंसिक वैल्यू, सबसे मेन बात यहाँ पर HDFC का नहीं देखा, एक बार यहां देख लेते हैं, HDFC का इंट्रेंसिक वैल्यू 1013। ओके, और कहाँ चल रहा है, 666 के लगभग चल रहा है, तो यहाँ पर तक तो जानी ही जानी है। तो इस कंपनी पे आप नज़रें बना सकते हैं, इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे चल रही है। और वॉरेन बफे साहब हमेशा कहते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे जो कंपनी चल रही हो, ओके, उसे फेयर प्राइस पर लेना अच्छा हो रहता है। तो यहाँ पर 1,250 रुपये का इंट्रेंसिक वैल्यू और कंपनी किस पर चल रही है, कंपनी चल रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं 900 पे। तो आपको 300% के तो 300 रुपीज़ का गेन आपको साफ नज़र आ रहा है, जो कि कुछ टाइम में ही आपको मिलता हुआ नजर आ जाएगा। सेल्स डाक देख सकते हैं यहाँ पर ईयरली बेसिस पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15,968 करोड़ की सेल्स 66,799 करोड़ की सेल्स में चेंज हो गई है। नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए, 366 करोड़ का प्रॉफिट आज की डेट में 4,454 करोड़ के प्रॉफिट में चेंज हो गया है। बोरिंग की बात करें, डेट फ्री कंपनी है, 9,133 करोड़ के रिजर्व्स है। और इन्वेस्टमेंट देखिए कंपनी का 2,00,000 करोड़ से ज़्यादा का, 2,07,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। लोन की बात करें तो लगभग 5,000 करोड़ का, सॉरी यहाँ पर कैश की बात करें तो लगभग 2,813 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट है। इसके अलावा प्रोमोटर्स की होल्डिंग 60%, FIIs ने यहाँ भी हिस्सा बढ़ाया है, DIIs ने यहाँ पर देख सकते हैं 5%, पब्लिक की बात करें 6%। और इसके एवज में अगर हम बात करें ICICI प्रूडेंशियल्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ICICI प्रूडेंशियल्स का भी हम आपको सामने चार्ट पैटर्न दिखा देते हैं। देखिए ये भी लार्ज कैप कंपनी है, ROCE इसकी उनके अपेक्षा कम है और डेट फ्री कंपनी है, कोई डेट नहीं है। और अगर बात करें इंट्रेंसिक वैल्यू, इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू यहाँ पर माइनस में दिखा रहा है, बट कोई इशू नहीं है, ये भी जब भागेगा तो अच्छा खासा भागेगा। बट यहाँ पर अगर देखा जाए रिजल्ट, तो यहाँ पर देखिए सेल्स क्या बेहतरीन, मतलब HDFC से भी ज़्यादा यहाँ पर सेल्स होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं मार्च के हिसाब से। यहाँ पर देख लीजिए HDFC का कितना सेल्स था, तो यहाँ पर देख लीजिए HDFC की सेल्स 52,613 करोड़ की सेल्स है, ओके, पिछले 12 महीने में। और इसकी सेल्स कितनी है, 80, यहाँ पर आप देख सकते हैं 83,182, तो उससे ज़्यादा सेल्स इसकी नज़र आ रही है। प्रॉफिट का रेशो भी अगर हम देखते हैं, नेट प्रॉफिट यहाँ पर घटता हुआ नज़र आ रहा है थोड़ा सा, बट कोई इशू नहीं, 956 करोड़ का यहाँ प्रॉफिट है। और यहीं पर HDFC का देखते हैं तो 1,354 करोड़ का प्रॉफिट है, बट कोई इशू नहीं है, कंपनी यहाँ पर साइज़ के हिसाब से यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती हुई नज़र आ रही है। इसके भी रिजर्व्स काफ़ी बेहतरीन है, डेट फ्री कंपनी है, प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, FIIs ने यहाँ भी हिस्सा बढ़ाया है, DIIs ने भी यहाँ पर हिस्सा बढ़ाया है, और पब्लिक के पास लगभग 5% की हिस्सेदारी है, और ICICI के प्रमोटर्स का 73% की हिस्सेदारी है। तो इस कंपनी की तरफ आप ध्यान दीजिए, यह कंपनी दोबारा रॉकेट बनती हुई नज़र आएगी। ओके, कोरोना में इसको दोबारा फायदा होगा और ये शेयर भागते हुए नजर आएंगे आने वाले टाइम में भी, और लॉन्ग टर्म बेट ऐसी कंपनी में आपको लगाना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड वीडियो थी, बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिएगा, और बाकी कुछ भी पोजिशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे। और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो हम आपके पास डेली बेसिस पर लाते रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।